अभी डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है एक बार समझ के लो, बहुत अच्छे से आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा। देखते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। ठीक है, हम लोग ने जो लाइन ऑफ फोर्सेस देखे थे वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं दोनों को अगर आप एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखती है वो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, हियर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो 2a लिखो, 2l लिखो, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली मुझे अगर इसको बताना है तो माइनस क्यू प्लस क्यू ये 2a से सेपरेट किए गए हैं, o रिप्रेजेंट करता है उनका सेंटर, तो अगर a से लेके o तक का डिस्टेंस लेंगे तो a और ये भी डिस्टेंस होगा a। सो o रिप्रेजेंट सेंटर, 2a इज इक्वल टू 2ab विच इज लेंथ ऑफ अ डायपोल। अभी अगर आप ये एज एक सिस्टम देखते हो तो माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे दो चीज़ें आपके पास, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू जब भी आपके पास होता है ना, तो नेट चार्ज क्या होगा हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, तो ऐड करना पड़ेगा। सो माइनस क्यू प्लस क्यू आंसर क्या आएगा, जीरो। तो अगर चार्ज नेट चार्ज ही जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा क्या, नहीं। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करते हैं तो नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। कैसे, आगे जाके डेरिवेशंस करेंगे तो अभी आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी जिससे आप ये 100% एश्योरेंस से बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से जो बनता है वो जीरो नहीं होता है। एनीवेज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी ए बी यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू सिचुएट हो चुके हैं और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे और एक नई क्वांटिटी आती है जो यूटिलाइज करके हम लोग ये जो डायपोल का कॉन्सेप्ट उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में ये एग्जिस्ट होता है, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्यों पढ़ना होता है, बिकॉज ये यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का ओरिएंटेशन बता सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल किधर है। मान लो ये ऐसा है, माइनस प्लस तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, तो जो डायपोल है उसका डायरेक्शन पता चलेगा, ओरिएंटेशन पता चलेगा, वो किधर फेस कर रहा है क्या कर रहा है हमें पता चलेगा। सो ट्रेडिशनली अगर हम लोग डायपोल लेते हैं तो उसके अंदर जो पी का डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस होता है, तो अगर इसमें अगर मुझे दिखाना है तो पी वेक्टर इज ऑलवेज गो फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना ये बड़े काम की चीज़ है, आगे जाके जब भी आप कैपेसिटर पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ोगे ना, तो वो टाइम पे आपको ये पता चलेगा कि अरे ये इलेक्ट्रिक डायपोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था पढ़ने के लिए। और जो डिवाइसेस आप बनाते हो इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह उसमें भी ये कैसे काम में आता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हमें ये पता है कि अगर मेरे पास एटम है, ठीक है, और एटम में अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर है मेरे पास, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो पहले मेरे पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्ज तो मेरा ऐसा कुछ तो है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इधर किधर तो होगा, है ना। और मान लो ऐसा मान के चलते कि यहाँ पे मेरे पास दूसरे चार्जेस है, तो ये चार्जेस की वजह से जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, ये अगर इक्वल नंबर में है तो ये भी तो सेंटर में होगा, समझ रहे हो आप। तो अगर ये छः की वजह से, छः चार्जेस की वजह से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी अंदर ही होगा, तो पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो एक ही पॉइंट पे। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, है ना, जो रिवॉल्व कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इधर ही होगा, है ना। और जो नेगेटिव की वजह से, देखो ना ये दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास किधर होगा, सेंटर में, ये दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास इधर, ये दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास इधर, तो सबका अगर आप एक ओवरऑल नेट एवरेज निकालते तो सेंटर ऑफ मास इधर ही आएगा। तो पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से जो सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वो एक ही जगह पे है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे पोल्स जनरेट ही नहीं हो रहे। एनीवेज, सो सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड, लेकिन अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर कोइंसाइड नहीं हो रहे, ये कब हो सकता है, इसको इम्बैलेंस करते हैं। इम्बैलेंस कैसे कर सकते हो, मान लो यहाँ पे आउटर शेल में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और जो आउटर शेल है एकदम एक्सट्रीम आउटर शेल, उसमें से अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए, मान लो अगर इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, मान लो इतने इलेक्ट्रॉन्स मैंने हटा दिए, अभी क्या सिनेरियो होगा,
पॉजिटिव की वजह से सेंटर ऑफ मास अगर इधर है तो नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो देखो ना, ये साइड जो है वो डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे तो कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऐसा कुछ तो मिलेगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो अभी ये पोल्स की जैसा स्ट्रक्चर मिला हमें, है ना, तो माइनस और प्लस ऐसा कुछ तो मिला हमें, तो यहाँ पे सेंटर हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर, बिकॉज यहाँ पे पोल्स जनरेट हो गए। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड, इट पजेस सम इंट्रिंसिक और परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एनीवेज तो देखो ना, अगर यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी बताना है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो पी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एनीवेज अभी और कुछ केसेस देखते हैं। मान लो मेरे पास सब्सटेंस है, ठीक है, और वो सब्सटेंस में हमारे पास ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल्स है, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स है वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनका ओरिएंटेशन कहाँ पे भी होता है, तो ये प्लस माइनस से हम लोग ने क्या रिप्रेजेंट किए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल्स रिप्रेजेंट किए इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किधर भी मूव करेंगे, ठीक है। अभी मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया समथिंग लाइक दिस, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो आपको क्या लगेगा, ये जो नेगेटिव होगा इसमें से वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और ये सीक्वेंस आपको वैसे ही मिलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो और इसमें कुछ तो पोल्स का जनरेशन हो गया, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको मिल गया, तो आप बोल रहे हो ये पोलराइज हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर थ्री। और एक पॉइंट नंबर फोर देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, समझ के लो पॉइंट नंबर फोर क्या है। मान लो मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब इसमें अभी ये जो इम्बैलेंस किया था हमने थोड़े टाइम पहले, इसको हटा देते और इसको वापस बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस किया आपने मान लो, ठीक है, अभी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक ही जगह पे, जो इधर है। एक काम करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करो। जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करते हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अपने अप्लाई किया ऐसे कुछ डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो सेंटर में आपको पॉजिटिव नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास मिल रहा था वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, मतलब नेगेटिव आपको इधर मिलेगा और पॉजिटिव जस्ट थोड़ा उसके बाजू में मिलेगा। तो अभी ये किसके जैसा एक्ट कर रहा है, पोलर के जैसा एक्ट कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूटिलाइज करके हम लोग ने ये जो एक न्यूट्रल एटम था जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक जगह पे था उसको चेंज किया और अभी ये पोलर के जैसा एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक डायपोल का। अभी तक कुछ डाउट? सिंपल है, ये आसान है, आप सिर्फ सुनना प्रॉपरली और अच्छे से नोट डाउन करते रहना, तभी आपको ये और आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी ये एक्सप्लेनेशन में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं डायपोल फील्ड क्या है, ठीक है ना। अभी डायपोल के बारे में पढ़ रहे तो डायपोल के फील्ड के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ये जीरो नहीं होता, तो ये क्यों नहीं होता देखते हैं। और स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक डायपोल जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको बोलते हैं डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड की वजह से जो इफेक्ट निकालना है उसके लिए कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास माइनस और प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे दो चार्जेस है और ये डायपोल है। हमें क्या करना है, हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, फोर्सेस देखना है। तो चार्ज की लोकेशन किधर भी हो सकती है, चार्ज यहाँ पे एक्सेस पे भी हो सकता है, इक्विटोरियल लाइन पे भी हो सकता है, रैंडम स्पेस में भी किधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं और उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं है। आगे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, उससे आपका ये वाला जो आइडिया है वो और क्लियर होगा। सिंस सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज अ फाइनाइट डिस्टेंस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट कैंसिल ईच अदर। तो हम लोग ने जो लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम था उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के बाजू में रखा था और वहां पे आप ऑब्जर्व करो पॉजिटिव से नेगेटिव में लाइंस जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बाजू में भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट कैंसिल ईच अदर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको बोलना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल देखना है, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल को देखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशंस में नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करेगा ये देखा, डायपोल फील्ड क्या होता है ये हम लोग ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल का होता है वो जीरो नहीं होता है, उसका इफेक्ट हमें पढ़ना है। अभी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टन पॉइंट पी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल।
तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 3 मार्क के लिए पूछा गया है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं, कभी कभी इसका डेरिवेशन भी आएगा और उसके साथ 1 मार्क का न्यूमेरिकल भी आएगा कंबाइन करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे जो इतना बड़ा दिख रहा है ना बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, पहले उसको ना संक्षिप्त में समझ के लो कि ये है क्या, है ना। मतलब अगर मुझे बड़ा जो चीज़ है उसका अगर छोटा सा वर्जन अगर पता है ना, तो फिर ये इतना सब याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। अभी देखो इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, पहले क्या है, इधर ध्यान दो। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, मुझे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल है मेरे पास एंड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ये मुझे निकालना है ना। तो अभी देखो मैं रफली कैसे इसको, ये पूरा डेरिवेशन को कैसे दिमाग में प्रोसेस करता हूँ विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। तो अल्टीमेटली ये टेक्निक आप भी सीख लो, क्योंकि जब भी मुझे शॉर्टकट्स यूज करना है तो वो टाइम पे मुझे फाइनल फॉर्मूला तो डायग्राम पता होनी चाहिए, खत्म। एंड जब भी मुझे बोर्ड के लिए लिखना है या 2-3 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो वो टाइम पे भी मुझे वो आना चाहिए। एनीवेज सो इसलिए इतना सब मेहनत हो रहा है। सपोज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के पास के लिए मेरे पास क्या होता है, माइनस क्यू होता है प्लस क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट पी लो, ये पॉइंट पी पे क्या है, हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ओके। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर इफेक्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डायपोल जो है उसकी कोई तो एक लेंथ होगी, कोई भी एक लेंथ है, मान लो 2 है, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो। इसका एक सेंटर होता है कि नहीं, सेंटर से अभी ये जो पॉइंट पी है वो एक डिस्टेंस पे है, तो जो डिस्टेंस है वो आप कुछ भी नाम दो, ठीक है, R2, X2 जो भी आपको देना है। ये डायपोल का लेंथ है उसको 2A दो, L2, 2L दो, जो भी आपको देना है दो। एनीवेज तो ये आपने दे दिया, अभी यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, ये माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा ये सबसे पहले देखना है, और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा ये हमको देखना है, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे माइनस क्यू हो, यहाँ पे प्लस क्यू, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका आंसर जो डिपेंड करता है वो यहाँ पे आप कौन सी पोलैरिटीज लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से अगर मैं लूँ तो फिर कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट होगा, मान लो इधर की डायरेक्शन में है और माइनस क्यू की वजह से ये पॉइंट के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो ये डायरेक्शन में है। अभी आप में से कोई होशियार बच्चा है तो वो सवाल पूछेगा, सर यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है ना, ये दोनों का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो फिर ये पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी आपने दिमाग क्या लगाया होगा मालूम है क्या, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है, मान लो समथिंग लाइक दिस, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होना चाहिए, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। डाउट सही है लेकिन अजम्पशन क्या है, पहले ही मैं बता चुका हूँ और एक बार बताता हूँ। जब हम लोग कोई भी ये चैप्टर में हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आगे जाके कैलकुलेट करेंगे, तो वो टाइम पे हम लोग जो भी पॉइंट कंसिडर करते हैं वो पॉइंट पे इंडिविजुअल चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो हमको फाइंड आउट करना है, और वो जो इफेक्ट है दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम वो ले सकते हैं ये चैप्टर में, वही हमारा एक बेसिक अजम्पशन है, वो अगर आप हटा दोगे तो फिर चैप्टर के आप प्रोसीड में ही नहीं कर पाओगे। चलो एनीवेज, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कुछ तो नाम दो, अभी इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कुछ तो नाम दो, है ना, यहाँ पे E1 E2 जो भी आपको देना है दो, E2 देते हैं, इसको E1 देते हैं, है ना। तो अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये पी के नज़दीक है, तो डेफिनेटली इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बड़ा होगा और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा वो छोटा होगा। तो एक एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये बन गया मेरा एक बेसिक आइडिया। और ई का इक्वेशन क्या होता है, 1/4π0 सोर्स चार्ज अपॉन R2, मतलब डिस्टेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्रॉस रीअरेंज करना है टर्म्स को और फाइनल आंसर लेके आना है। और यहाँ पे अगर मेरे पास डायपोल है तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 है, ये एक जनरल इक्वेशन है मेरे पास, है ना। तो ये सब यूज करना है, ये एक जनरल आइडिया हो गई। अभी इसको इवॉल्व कैसे करें 3 मार्कर के लिए, ओके। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्चुअल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, अभी देखो अभी आपको समझेगा। सो डायग्राम है मेरे पास माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 है, ए और बी ये हम लोग लोकेशंस यूज कर रहे हैं और ओ उसका सेंटर है। हमारे पास पॉइंट पी पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर हमको इफेक्ट देखना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, सो +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अभी जैसा मैंने बोला था, ये पॉइंट प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो हम लोग E2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो A की वजह से या पॉइंट माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये जो E2 होगा
इसका जो वेक्टर होगा वो E1 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके हम लोग E के लिए क्या लिख सकते हैं, E2 - E1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अभी मेरा काम क्या होता है, अभी तो मुझे एक जनरल आइडिया आ गई, मुझे E2, E1 और E के बारे में लिखना है कि नहीं। तो सीक्वेंस आप कुछ भी दो, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है, तो अभी आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप अपनी लैंग्वेज यूज करके पूरा डेरिवेशन डिराइव कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 डेरिवेशन का क्या है। लेकिन जब भी फिगर ड्रॉ करते हो तो फिगर का लेबल होना जरूरी है। तो फिगर का लेबल क्या है, अगर कुछ पता नहीं तो जो क्वेश्चन ऊपर दिया है वही लिखो, फिगर रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। खत्म हो गया, ये हो गया मेरा डायग्राम का नाम। ओके, सो कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स -Q + Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2A। मैंने क्या किया, जो डायग्राम में दिख रहा है वही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, एग्जाम में भी एग्जामिनर शॉर्टकट में मार्क्स देगा, 3 में से 1 मिलेगा, पूरा लिखना है। कैलकुलेट ई वेक्टर एट पॉइंट पी, सो यू नीड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ओपी विच इज इक्वल टू आर। सो E1 वेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो E1 वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज -Q। अभी -Q के लिए हमें ये देखना है, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर ये 2A है, ठीक है, तो इसका आधा क्या होगा, A, और ये भी होगा A, और O से लेके P तक का डिस्टेंस R है, तो P से लेके A तक का डिस्टेंस क्या होगा, R + A के बराबर होगा। सो E1 की वैल्यू 1/4π ε0 K जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे, बिकॉज ये ओवरऑल सिस्टम वैक्यूम या फिर एयर में आप रखने वाले हो। सो Q/AP² विच इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q/AP की जगह पे आएगा R + A द होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज एक्टिंग अलॉन्ग AP, ठीक है। ओके, PA लिख सकते हो, विच इज एक्टिंग अलॉन्ग PA। एनीवेज, लेट E2 वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू। सो E2 क्या आएगा, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, R - A। सो 1/4π ε0 Q/BP² 1/4π ε0 Q/R - A द होल स्क्वायर, सो विच इज एक्टिंग अलॉन्ग BP, ये डायरेक्शन में जा रहा है, और AP क्यू लिखा वो डायरेक्शन में जा रहा है। सो अल्टीमेटली पॉइंट नंबर 3 पे आता है, एज E1 वेक्टर E2 वेक्टर कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड E1 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस मैटर करते हैं, ये नजदीक है पॉइंट P के और ये दूर है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज एक्टिंग ऑन BP प्रोड्यूस्ड, सो BP प्रोड्यूस्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेट एक्ट होना स्टार्ट होगा। तो दैट्स वाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में लिए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अभी मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड कंसिडर करने के बाद E की वैल्यू होगी E2 - E1। अभी कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स है, यहाँ पे सिर्फ कुछ गलतियाँ होती है बच्चों से, लेकिन अगर फाइनल आंसर पता है तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप निकाल सकते हो आंसर। एनीवेज, सो E = 1/4π ε0 Q/R - A² - 1/4π ε0 Q/R + A², ठीक है। ओके, E = Q/4π ε0 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1/R - A² - 1/R + A² रीअरेंज करो टर्म्स को, ठीक है। अभी नीचे वाला है उसका स्क्वायर मत करो, ठीक है, बाद में कट हो जाएगा वो। सो R + A² - R - A² तो A + B का फॉर्मूला है, A - B का फॉर्मूला है, ठीक है। A² + 2AB + B² - A² + 2AB और -B², तो अल्टीमेटली A² B² के टर्म्स कट हो जाएंगे और सिर्फ 2AB बचेगा विच इज 4AB। तो यहाँ पे 4RA ये बचेगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 4AR ये बन गया मेरा इक्वेशन। अभी ये डायग्राम में आप देखो, R की वैल्यू जो है वो A के वैल्यू से कंपेरेटिवली बड़ी है, ठीक है। तो अगर R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा बड़ी है तो A की वैल्यू नेग्लेक्ट की जा सकती है, तो कर सकते हैं क्या, कर सकते, तो करो ना, R² - A² द होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे Q है, 4AR है, तो P = Q × 2A रिप्रेजेंट किया जा सकता है। R की वैल्यू अगर A से बहुत बड़ी कंसिडर करोगे, सो R² - A² द होल स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली R⁴। देयरफॉर E = Q/4π ε0 × 2A, 2R / R⁴। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, P लिखोगे, ठीक है, R में से एक R गया, सो E की वैल्यू की 1/4π ε0 2P/R³। और यहाँ पे खत्म होने के बाद ब्रैकेट में लिखना है, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्चुअल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आसान था ना, दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर दिमाग में मेरा प्रोसेस फिक्स है तो फिर ऐसे डेरिवेशन आसान लगने लगते हैं। लेट अस डिस्कस द अनदर डेरिवेशन, 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर नहीं तो इसका फाइनल आंसर आपको याद करना है, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। अगर नहीं तो कंपैरिजन के लिए, मतलब अगर एक्चुअल डायरेक्शन में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है डाइपोल के लिए, तो इक्विलेटरल इक्विटोरियल का भी अगर आपको पता है तो ये सही होता है। एनीवेज, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल,
ये हमको चाहिए। इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या है, सीधी सीधी जाने वाली। अभी डायग्राम देखो, सिंपल है। सबसे पहले मेरे पास माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। 2a इज द सेपरेशन बिटवीन देम एंड o रिप्रेजेंट करता है उसका सेंटर, ठीक है। p रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, जो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे a से लेके o तक का डिस्टेंस है a, o से लेके b तक का डिस्टेंस है a। पॉइंट p जो लोकेट करता है, इट इज लोकेटेड एट सर्टन डिस्टेंस r। और यहाँ पे ध्यान में रखो, ये जो r डिस्टेंस है ना, वो a से बहुत बड़ा है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगी, माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से। तो पॉइंट पी देखो, यहाँ से अगर मैं प्लस क्यू कंसिडर करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई टू वेक्टर्स के साथ। सिमिलरली अगर ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, तो उसको रिप्रेजेंट किया ई वन वेक्टर के साथ। अभी यहाँ पे मेरे पास एंगल है थीटा, ये भी हम लोग बोल रहे हैं एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, आपका एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। एनीवेज, और अगर आप ये जेड फॉर्मेशन कंसिडर करते हो, तो ये भी आपका एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट्स में। तो ये क्या होगा आपका E2 साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E2 कॉस थीटा। सिमिलरली E1 के लिए रिजोल्व करो, ये क्या होगा E1 साइन थीटा, और ये क्या होगा E1 कॉस थीटा। तो दो कंपोनेंट्स हमें वर्टिकल के लिए मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट्स हमें हॉरिजॉन्टल के लिए मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है ना, तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखते, तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों को ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट है PR, है ना, जो ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी टू टाइम्स ई कॉस थीटा, टू टाइम्स ई वन कॉस थीटा, या फिर टू टाइम्स ई टू कॉस थीटा, ठीक है। ये रफ आइडिया हो गई, ठीक है। और अभी ये इक्वेशन में मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बीपी और एपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट बी से पी जहां तक लोकेट करता है वो हमको पता होना चाहिए। तो ए आर, तो ट्रायंगल अगर आप यूज करते हो, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिमिलरली ये भी क्या बनेगा आपका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बन गई मेरी डायग्राम। अभी एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ किया है, तो उसका लेबल लिखना पड़ेगा। लेबल का अगर नाम नहीं पता, तो जो क्वेश्चन है वही लिख दो, दैट इज रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। एनीवेज, तो अभी हो गई ये रफ आइडिया। अभी रफ आइडिया यूज करके बड़ा सा डेरिवेशन कैसे लिखना है, सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको समझते जाएगा, आपके ब्रेन में भी ये प्रोसेस होना स्टार्ट। अभी देखते हैं डेरिवेशन का पार्ट, ठीक है। सो लेट, पॉइंट वन कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, हमेशा अपने लैंग्वेज में पॉइंट वन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस 2a बिटवीन देम। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर वन, वेयर ओपी की वैल्यू किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। सेकेंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वन वेक्टर, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, है ना। तो एपी के जगह पे क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही बचेगा। लेट ई टू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ई टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन गई ई वन और ई टू की वैल्यू। पॉइंट नंबर फोर में क्या लिखना है, लेट ई वन कैन बी रिजोल्व इन टू टू कॉम्पोनेंट्स, सो ई वन कॉस थीटा एंड ई टू कॉस थीटा। सो ई वन कॉस थीटा इज एक्टिंग पैरेलल टू बी ए and E1 sin theta is acting in a perpendicular direction to BA. Similarly, E2 can be resolved as E2 sin theta and E2 cos theta, where E2 cos theta is parallel to BA and E2 sin theta is perpendicular to BA. तो अभी मेरे पास ये equations बन गए, ठीक है। Resultant electric field intensity at point P is given by E is E1 cos theta plus E2 cos theta. So we have E1 और E2, दोनों की value same है मेरे पास, so E is 2 times E1 cos theta, E1 या E2 कुछ भी लिख दो, therefore E की वैल्यू क्या होगी, 2 times E1 की वैल्यू क्या होगी, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square. Cos theta, यहाँ पे मेरे पास theta है, तो cos theta क्या होगा, adjacent upon
हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट की वैल्यू ए है, हाइपोटेनियस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लिखो ना वहां पे, सो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, तो क्यू इंटू टू ए एक साथ लेके आओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 आएगा। तो अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन का करना पड़ेगा, तो क्यू इंटू टू ए की जगह पे आप पी लिख सकते हो, है ना, और आर की वैल्यू ऐसे बहुत बड़ी है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू 3/2, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर ए को हटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट का हाफ कट हो जाएगा और आर क्यूब बचेगा, तो अल्टीमेटली ए की वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught p/r³। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये तो बन गया मेरे पास इक्वेशन है, अभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि कंपेयर करो ई एक्शन इन इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, अगर नहीं तो ये जो डेरिवेशन है उसके साथ ही वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन में आता है, तो ई एक्शन इक्वेटोरियल, ई एक्शन की वैल्यू क्या है, अभी सॉल्व किया 1/4 pi epsilon naught, ये पूरे इक्वेशन में जो k है 1/4 pi epsilon naught k की वैल्यू 1 कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल सेटअप हम एयर या फिर वैक्यूम में ले रहे हैं, सो 1/4 pi epsilon naught 2 pi/r³ EXL की वैल्यू है, 1/4 pi epsilon naught p/r³ इक्वेटोरियल की वैल्यू है, तो अल्टीमेटली ये कट हो जाएगा, पी पी कट हो जाएगा, r³ कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, तो इसका मतलब EXL इज इक्वल टू 2 times ई इक्वेटोरियल, तो ये बन गया मेरा कंपेरिजन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बड़ा सा डेरिवेशन पढ़ने की कोशिश की जो एक्चुअल में आसान था, जब भी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ेंगे तो इतना सब हमें नहीं पता होना चाहिए, हमें ये बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए और ये सब कॉन्सेप्ट शॉर्ट में पता होना चाहिए, तो वो टाइम पे जब ये सेम चीज़ अगर देखते हैं हम लोग, तो मान लो अगर ये आपका पूरा पेज है ना, ये एक आपका पुलस्केप है, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, तो उसका ये इतना सा जो पोर्शन है ना उसमें ये हम लोग करेंगे, मतलब देखो कितना शॉर्ट में सिर्फ डायग्राम और उसका फाइनल आंसर कैसे निकालना है, वो ट्रिक्स वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है जो आपको बोर्ड के लिए बहुत काम में आने वाला है, तो इसलिए इतना बड़ा लेवल पे आपको सिखाया जा रहा है, सब कुछ मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, सो दैट आप एग्जाम में कोई भी एरर ना करो, आपका नोट्स निकालने का जो टाइम है वो अल्टीमेटली सेव हो जाए, एक बार आपको लेकिन ये लिखना पड़ेगा आपके नोटबुक में या जो भी पेजेस आप लेके बैठ रहे हो उसके साथ, तभी जाके ये लेक्चर्स का आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, अभी हमें क्या दिया, देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, पहले रफ देखो, ठीक है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, हम लोग ने अलोंग एक्सिस का इक्वेशन देखा है, अलोंग इक्वेटोरियल लाइन का इक्वेशन देखा है, लेकिन अगर पॉइंट मेरा कहाँ पे भी लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, जो ना एक्सिस पे आता है ना इक्वेटोरियल पे आता है, और अगर जनरल इक्वेशन अगर मुझे बनाना है तो किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था इक्वेटोरियल में, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, यहाँ से यहाँ तक निकला था, उसका फिर कंबाइन इफेक्ट हमें मिला था, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना, ओके, फिर इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा कुछ तो होगा, अगेन फिर इसको रिजॉल्व करो, है ना, तभी जाके ये सेंटर वाला मिलेगा आपको, कुछ तो कट होगा, ऐसा ही कुछ तो मिलने वाला है, लेकिन अभी यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है वो डिफिकल्ट होंगे निकालने के लिए, बिकॉज हमें कुछ दिया नहीं है उन्होंने, और पॉइंट पी का लोकेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी है, और उसको ही अगर हम लोग अगर रिजॉल्व करते हैं और बाद में इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो फिर कुछ काम बन सकता है, देखते हैं कैसे, ओके, तो सपोज ए और बी ये दो पॉइंट्स है, प्लस क्यू माइनस क्यू रिस्पेक्टिव हमारे पास चार्जेस है डायपोल के, हमारे पास पॉइंट के है और ये पॉइंट के पे हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, अभी कैसे कर सकते, एक काम करते, ठीक है, ये जो डायपोल मेरा जो P है वो माइनस से प्लस तक एक्ट होता है, हम लोग एक एंगल कंसिडर करते हैं जो ऐसे कट करता है ये पॉइंट को, ओके, तो एंगल कट करने के बाद यहां पे मुझे थीटा मिला, अभी ये जो लाइन है इसको A1 B1 बोलते हैं और जो दूसरी लाइन है इसको A2 B2 बोलते हैं, अगर P को रिजॉल्व करोगे तो ये आपको देगा एक टर्म P cos थीटा, दूसरा टर्म होगा आपको P sin थीटा, ठीक है, तो ये P cos थीटा, ये P sin थीटा देगा आपको, अगर ऐसा कुछ है तो अभी देखते हैं कि डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, ठीक है, अल्टीमेटली देखो ये एक लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन है और ये जो है ये दो लाइंस मुझे क्यों मिली, इसके वजह से A1 B1 और A2 B2 की वजह से, ये पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेके फिर उसको रिजॉल्व करेंगे, तभी जाके हमें ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मिल जाएगी,
एनीवेज, तो ऐसे एक ओवरऑल आइडिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब भी हम लोग जेई पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। पॉइंट नंबर वन, अपने लैंग्वेज में लिखना सीखो। लेट देयर एग्जिस्ट अ इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज हैविंग टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a एंड हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। ठीक है, तो ये लिखा मैंने पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इन ऑर्डर टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के, लेट रिजॉल्व पी इंटू टू कॉम्पोनेंट्स ए वन बी वन विच इज गिवन बाय ए पी कॉस थीटा एंड वी हैव ए टू बी टू। तो ए टू बी टू जो है वो ए वन बी वन को परपेंडिकुलर है। सो ए टू बी टू विच इज अ परपेंडिकुलर टू ए वन बी वन विच इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो अभी हम लोग ई वन और ई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ई वन, और जो सेकंड वाला है इसको बोल रहे हैं हम लोग ई टू। तो ई वन की वैल्यू है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो देखो ना इतना ही है। e1 की वैल्यू क्या होती है एक्सिस पे, तो ये अलोंग एक्सिस मिल गया, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस मतलब इक्विटोरियल मिल गया है ना। और दूसरा क्या है p sin थीटा, तो p के वैल्यू डालो इक्विटोरियल के लिए वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक्सियल के लिए मिला, ये सिर्फ cos थीटा एडिशनल आ रहा है। एक्सियल का इक्वेशन तो पता है हमें, ये क्यों आया बिकॉज इसकी वजह से, एंड यहाँ पे sin थीटा क्यों आया बिकॉज इसकी वजह से। तो e1 और e2 है। अभी हमारे पास ये टर्म है और ये टर्म है, तो के एल और एल एम है, तो के एम और एल एन सेम है, तो पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ड्रॉ पैरेललोग्राम टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो के एन की वैल्यू क्या होगी, के एन की वैल्यू होगी के एल स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर। सो ई की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर है ना। तो ई वन ई टू की रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्क्वेयर रूट ऑफ फोर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ये आंसर आएगा, सिंपल है। आप ये सिर्फ वैल्यूज पुट कर देना यहाँ पे और उसके बाद कॉमन लेना, कॉमन तो ये टर्म आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपका ये टर्म आएगा। अब ये फोर कॉस स्क्वेयर थीटा को कैसे लिख सकते हो, थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा, थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा है ना। तो ये वन आ जाएगा अल्टीमेटली। सो इज इक्वल टू पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस वन। ठीक है ना, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ठीक है, अगर इसको रिजोल्व नहीं करते ना तो ई की वैल्यू मिली नहीं पाती, और ये जो डिस्टेंस है हमें नहीं पता, तो इसको सॉल्व कर पाना तो मतलब लाइक डिफिकल्ट था। तो इधर से इधर ज्वाइन करते, इधर से इधर ज्वाइन करते, फिर उसका रिजल्टेंट निकालते। डिस्टेंसेस पता होते तो ठीक था, लेकिन नहीं पता तो अभी क्या करें। ठीक है, तो ये मेथड से किया जा सकता है। एनीवेज, ट्रायंगल के एल एन अगर लिखते हैं के एल एन, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा अल्टीमेटली। तो टैन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो एल एन अपॉन के एल। तो एल एन आपका ई टू है, के एल आपका ई वन है, तो ई टू अपॉन ई वन करोगे तो हाफ ऑफ टैन थीटा आएगा। ये दोनों को ये करो ना, डिवाइड करो ई टू अपॉन ई वन को, तो साइन थीटा कॉस थीटा है, तो हाफ ऑफ टैन थीटा बन जाएगा। ठीक है, अभी केसेस यहाँ पे, अभी देखो ना मेरे पास ये जनरल इक्वेशन है। अगर थीटा की वैल्यू अगर आप जीरो डाल देते हो, ठीक है ना, तो आपको किसका इक्वेशन मिलेगा, एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा। एंड अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाली तो इक्विटोरियल का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है ना। तो जनरल इक्वेशन से थीटा की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आके आप कहाँ पे भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एट एक्सियल लाइन थीटा जीरो, सो ई की वैल्यू होगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब। सो टैन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ टैन थीटा विच इज जीरो, तो अल्फा की वैल्यू जीरो बन गई यहाँ पे। सो के एट इक्विटोरियल लाइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सो इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। सो टैन अल्फा इज हाफ ऑफ टैन थीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी है ना। तो वही इक्वेशन वापस मिले। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया था, पी को रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट्स में, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिया, एक्सियल और इक्विटोरियल की वैल्यूज लिखी, फिर वहां पे एडिशन किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक फाइनल आंसर आया, और अल्फा की वैल्यू भी निकाली यहाँ पे हम लोग ने टेन अल्फा की, और एंड में जाके जनरल इक्वेशन से इक्विटोरियल एंड हॉरिजॉन्टल दैट इज एक्सियल के लिए भी इक्वेशन निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आपको ये करना ही है, और कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे कि आपको मिला या नहीं आंसर। क्वेश्चन देखो क्या है, मेरे पास एक रिंग है, ठीक से सुनो, मेरे पास एक रिंग है और एक पॉइंट पी है। मुझे बोला गया है ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो यहां पर यह एक्सिस है और यह एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी है। ठीक है, हिंट देता हूं आपको, ये रिंग है मेरे पास, ये पॉइंट पी है, उसका जो डिस्टेंस है वो आर है, और पी से लेके यहाँ पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करते हो तो वो डिस्टेंस ए है।
अगर ये इनिशियल कंडीशन है मेरे पास, तो फाइनल आंसर ये आपका आ रहा है क्या, ये आपको बताना है। तो फाइनल आंसर मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप ये चेक करोगे, आपको लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में मिला या नहीं मिला। तो ई इज 1/4π0 क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू 3/2, ठीक है। नहीं तो आप मुझे बताओ कि आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं। आई होप सो कि अभी हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छे से समझा। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टू डायमेंशन में है, ठीक है, या फिर थ्री डायमेंशन लेना है तो थ्री डायमेंशन भी ले सकते हो, जैसे आपको लेना है। तो यहाँ पे हम लोग टू डायमेंशन वाली केस कंसिडर करने वाले हैं। सपोज कोई भी डायरेक्शन में, मान लो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, और वो डायरेक्शन में अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखने की कोशिश की तो फिर क्या इफेक्ट होगा। हमें यह पता है नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल का होता है वो कभी जीरो नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि वहां पे दो चार्जेस होते हैं, एक होता है माइनस क्यू, दूसरा होता है प्लस क्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम लोग डायग्रामेटिक चीज कैसे बनाए, है ना, एंड दूसरी बात उससे रिलेवेंट डेरिवेशन को हम लोग कैसे प्रोसीड करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मान लो मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है। अभी सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा, कैसे भी बनाओ जैसा आपको चाहिए। आई एम मेकिंग समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म है तो पैरेलल बनानी है एक दूसरे को, तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास। अभी मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक डायपोल होना चाहिए। डायपोल को आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो डायपोल को आप किस तरह से भी रखो, तो ठीक है डायपोल को रख देते हैं समथिंग लाइक दिस। ये है मेरे पास अभी डायपोल, है कि नहीं। अभी डायपोल के पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है माइनस क्यू और दूसरा होता है प्लस क्यू। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस क्यू है, मेरे पास प्लस क्यू है। अभी हमें ये देखना है यहाँ पे इसका जो सेंटर होता है वो जीरो हमें पता है, और जो डायपोल है उसकी टोटल लेंथ हमें पता है होती है कि ये 2a है। दूसरी बात, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस से प्लस q की तरफ मूव करता है, ये बात तो हमें पता है। अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये जो प्लस q जहाँ पे है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, तो f की वैल्यू क्या होगी, q इंटू ई वैक्टर, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स और ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो फोर्स की वैल्यू होगी F विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई वैक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास दो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, इक्वल क्यों बोल रहे, बिकॉज चार्ज सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए। एनीवेज इनको कुछ नाम देते हैं, ये पॉइंट जो सिचुएटेड है, लेट दैट पॉइंट इज सिचुएटेड एट ए, इसको हम नाम देते हैं बी। अभी यहाँ पे हमारे पास एंगल है, ये एंगल है थीटा, है कि नहीं। तो ये मतलब एंगल थीटा से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। अभी देखते हैं हमें क्या चाहिए, देखो एक मेरे पास डायपोल है और यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस भी है, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन है तो डायपोल जो है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। और आपको पता है अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ है आपके पास, मान लो ऐसा रॉड है, और अगर आप उसको कोई तो एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो वो अपने आप को क्या करता है, रोटेट करने की कोशिश करता है ना। तो जब भी ऐसा कुछ इफेक्ट होता है जहाँ पे आपके पास, मान लो ये रॉड है, आप एक फोर्स ऐसा लगा रहे हो और दूसरा ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो क्या बनता है, टॉर्क बनता है। तो टॉर्क बनता है तो टॉर्क के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक फोर्स उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो ये स्पेसिफिक केस में अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस खींच देते हैं ना, समथिंग लाइक दिस। तो पॉइंट ए से हमने एक लाइन खींची और यहां से भी हमने एक लाइन खींची, ये जो दो लाइंस है एक पॉइंट पे मिलते हैं, लेट दैट पॉइंट इज अ सी। तो यहां पे एंगल क्या बना हमारा, यहां पे जो एंगल बना है, लेट दैट एंगल इज अ थीटा। एनीवेज अगर ये थीटा है तो अल्टीमेटली ये भी आपको क्या मिलना चाहिए, ये भी आपका क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, है कि नहीं। एनीवेज तो ऐसा कुछ तो हमें मिल गया स्ट्रक्चर। अभी हमारा कंसर्न ये है कि डेरिवेशन को प्रोसीड करें। तो मेरे पास अभी ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूटिलाइज करके हम लोग आगे का डेरिवेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास एक बेसिक सेटअप हो गया। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं,
डेरिवेशन के लिए हमें क्या क्या लिखना है। तो जब भी हमारे पास डाइपोल है तो एक कॉमन पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन, जो हमेशा हम लिखते हैं लेट। तो जब भी डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो लेट एजम्पशन से स्टार्ट करना है, लेट देयर इज एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज हैविंग टू पोल्स माइनस क्यू प्लस क्यू विच आर हैविंग अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ अ टू ए हेल्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है, लेट डाइपोल इज अ हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखा, यहाँ पे आप सिर्फ वो इलेक्ट्रिक डायपोल का बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं। अभी मेरे पास, मैंने अभी भी जो बोला है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो चार्जेस हेल्ड करते हैं वही चीज़ हमें पॉइंट के फॉर्मेट में लिखनी है। लेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू कहाँ पे है आपके पास, बी में है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। देयरफॉर फोर्स ऑन प्लस क्यू एट बी इज गिवन बाय प्लस क्यू ई वेक्टर एंड इट इज एक्टिंग अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, है ना। फोर्स ऑन माइनस क्यू एट ए विच इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, इट इज एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अभी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स डायपोल के ऊपर देखें तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई ये एक दूसरे को कट कर देगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। लेकिन माइनस क्यू प्लस क्यू ये चार्जेस है और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल फॉर्म कर रहे हैं एंड इट रोटेट्स द डायपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ना, ये ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये डायरेक्शन में ये लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग की होती तो फिर वो अलग डायरेक्शन में मूव करता। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे कपल फॉर्म होगा, दिस कपल टेंड्स टू अलाइन डायपोल अलॉन्ग ई वेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया उसको वर्ड के तरीके में लिखना है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर चेक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। एनीवेज, अगर 2 मार्क के लिए पूछते तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, इसको और कट शॉर्ट करके आप बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, ड्रॉ एसी परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, तो एसी ड्रॉ किया हमने ई वेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मुझे टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क के लिए मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है, उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ अ कपल, जिसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग कपल। एक बार रिपीट करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर ऐसा है मेरे पास, ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, मुझे एसी की वैल्यू चाहिए और ये थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट की वैल्यू क्या है, एसी, हाइपोटेनियस है आपका ए बी, है ना, लेकिन ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, टू ए लिख सकते हो, है कि नहीं। तो एसी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू टू ए, सो साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी, सो ए बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो टॉर्क इज क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। अभी हमारे पास पी का इक्वेशन है क्यू इंटू टू ए, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, ये पहला लेते हैं, है ना, सो क्यू इंटू टू ए की जगह पे पी लिखा, ई साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टॉर्क की वैल्यू होगी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अभी क्वेश्चन ये आता है, अगर ऐसा कुछ है हमारे पास तो फिर जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, सर्टनली राइट एंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हो आप, एंड उसकी जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो जो डायरेक्शन में आपका पी वेक्टर है, जो डायरेक्शन आपका ई वेक्टर है, उसको परपेंडिकुलर होगा। एनीवेज, और अच्छे से समझना है तो इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड्स, तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है ना, मेरे पास ऐसे दो वेक्टर्स है समथिंग लाइक दिस, इसको इस तरह से पकड़ते हैं, है ना, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे अगर रोटेट होगा आपका तो राइट एंड स्क्रू रूल के हिसाब से आपका जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। सो अलोंग यहाँ पे हमारे पास केसेस है, पॉइंट नंबर 7, 8, 9 ये केसेस है। ठीक है, तो आप केस करके भी लिख सकते हो 1, 2, 3 के टर्म्स में। सो अगर ई वेक्टर और ये पूरा का पूरा डायपोल एक ही डायरेक्शन में अगर है तो थीटा की वैल्यू अल्टीमेटली आपकी जीरो बन जाएगी, थीटा की वैल्यू जीरो बनेगी, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो बनेगी, इसका मतलब मिनिमम होगा और इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा, अगर आपने एक काम करो, ये पूरा का पूरा ऐसा टर्न करके 180 डिग्री थीटा अगर आपका है तो फिर टॉर्क क्या होगा, ई के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, मतलब 180 डिग्री पूरा का पूरा टर्न होके वो ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अगर इनिशियली 180 डिग्री एंगल है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एनीवेज, और टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब भी ये थीटा का एंगल 90 डिग्री होता है, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज 1, सो टॉर्क मैक्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री व्हेन टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू पी। और लास्ट पार्ट है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछते हैं, टॉर्क का डायमेंशन निकालने के लिए बोलते हैं, या फिर वो बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल फील्ड का डायमेंशन लिखो। सो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन के लिए है ना, फोर्स है आपके पास, मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखो, और ये मीटर है आपके पास, उसका
सब्स्टिट्यूट करो. सो फाइनल आंसर डायमेंशन m1 l2 t-2. तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड.